गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मुँ श्रीकांत गौड़ टीजीपी हाईस्कल कटरार गणित शिक्षक सुंदरगढ़ वर्चुआल स्टूडियो तरफ समस्त पुणी थे स्वागत जनाऊे। पाने गत क्लास रे तुम्हें अपरिमेय संख्या संबंध में आलोचना कर रुट टू रुट थ्री आदि अपरिमेय संख्या जोग वियोग गुणन हरण किपर कराए ता संपर्क आलोचना कर आउ किछि बीजगणितिक धर्म संपर्क आलोचना करथिलो वास्तव संख्यार। आज आम तार किछि अवशिष्टांश अछि ताकु आलोचना करिबा। आज आम वास्तव संख्या को किपरि संख्या रेखा रे उपस्थापन करा जाय सेटा आलोचना करिबा, ता सहित घातांक राशि संपर्क आलोचना करिबा। तबे चलो स्मार्ट बोर्ड निकट को जिबा। तो आज आम आलोचना करिबा वास्तव संख्या मानकर क्रम। दुईटी वास्तव संख्या जदि ए एवं बी हुए तबे से दुईटी संख्या मध्य गोटे संख्या सान हो पारे किंबा गोटे संख्या बड़ हो पारे। धरिनियो ए बी ठारु सान हैला ताहले आमे ताकु ए लेस देन बी बोली लिखिबा। जदि ए बी ठारु बड़ हैला ताहले आमे ए ग्रेटर देन बी बोली लिखिबा। राशि द्वय मध्यरे एही तुलनात्मक संपर्क सेमानकर क्रम निर्धारण करिथाय। तो वास्तव संख्या मानकर क्रम को नहीं आमर किसी स्वीकार्य अच्छी। आज आम से स्वीकार्य आलोचना करिबा। जदि ए एवं बी दुईटी वास्तव संख्या हुए ताहले तीन टा परिस्थिति उपजीव। प्रथम परिस्थिति हला ए बी ठारु बड़ हो पारे। द्वितीय परिस्थिति हला ए बी ठारु सान हो पारे किंबा ए इज इक्वल टू बी हो पारे। एहाकु आमे त्रिमुखी नियम बोली कहू बा इंग्राजी रे ल ऑफ ट्राइकोटोमी बोली कहा जाए। ठीक से परी आ गोटे स्वीकार्य होला जदि ए बी सी तीनोटी वास्तव संख्या हुए। ए बी सी तीनोटी वास्तव संख्या मध्यरु जदि ए बी ठारु छोटो हुए बी सी ठारु छोटो हुए तेबे निश्चित रूप से ए मध्य सी ठारु छोट हम। तो यह संक्रमी नियम बा ल ऑफ ट्रांजिटिविटी बोली कहा जाए। ये थिला वास्तव संख्या क्रम उपरे आमर किछि स्वीकार्य। वर्तमान आम देखिबा संख्या रेखा रे वास्तव संख्या मानको किपरि स्थापन करिबा। अच्छा आम पूर्व क्लास रे अध्ययन करिछु जे समस्त गणन संख्या समस्त पूर्ण संख्या समस्त परिमेय संख्या समस्त अपरिमेय संख्या ये समस्त संख्या वास्तव संख्यार अंतर्भुक्त अटंती। तेणु सर्वप्रथमे आम पूर्ण संख्या को किपरि संख्या रेखार स्थापन करा जाए टिके आलोचना करिबा। एहा आम पूर्व श्रेणी मानक शिखिचु एबे जस्ट टिके तार पुनरावृत्ति करदेबा। पूर्ण संख्या मानक संख्या रेखार किपरि उपस्थापन करा जाए ता गोटे सरल रेखा निया जाए निर्दिष्ट व्यवधान रे सेथिरे बिंदु मान निया जाए। एथरे आम देखी पार्थुवा व्यवधान निया व्यवधान गुड़िक समान निया देख निर्दिष्ट व्यवधान रे बिंदु गुड़िक निया आउ सेथिरे पूर्ण संख्या मानक स्थापना करा जाए। मझीरे जीरो लिखा जाए। जीरो रो डाहाण भाग रे समस्त धनात्मक संख्या अछि एवं जीरो रो बाम भाग रे समस्त ऋणात्मक संख्या अछि। एटा आम पूर्वरु शिखिछु। वर्तमान आम देखा परिमेय संख्या मानक किपरि संख्या रेखार स्थापना करा जाए। अच्छा परिमेय संख्या मानक तो बहुत बहुत अच्छा परिमेय संख्या तो आम कि परिमेय संख्या उदाहरण को नवा। सपोज वन बाय थ्री एक परिमेय संख्या आपको आम संख्या रेखार दर्शेवा। तो कौन करवा ठीक से गोटे सरल रेखा नवा जेहेतु वन बाय थ्री रर तीन अच्छी तेणु से सरल रेखा को आम तीन भाग करदे। केते भाग करिबा तीन भाग एटा देखि पार्थुबो एटा गोटे भाग एटा आ गोटे भाग एटा आ गोटे भाग आमे तीन भाग कर देले। संख्याटी को संख्या रेखा रे उपस्थापना करिबा पूर्वरु मु एठारे गोटे जिनस कहिबी जे जेऊ परिमेय संख्या गुड़ी कर लब हर अपेक्षा छोटो होइथाय। जेऊ परिमेय संख्या गुड़ी कर लब हर अपेक्षा छोटो होइथाय
सही परिमेय संख्या टी जदि धनात्मक होइथिबो ताहाले सेटा शून्य रु एक मध्य अवस्थान करिवो आ जदि ऋणात्मक होइथिबो ताहाले सेटा शून्य रु माइनस एक मध्य अवस्थान करिवो। तो जेहेतु एटा धनात्मक परिमेय संख्या टी एवं यार लब टी हर ठारु सानो अछि तेणु यह शून्य रु एक भितर अवस्थान करिवो अर्थात आमे प्रथम बिंदु को शून्य देले शेष बिंदु को एक देले एवं से शून्य रु एक मध्य रेखाखंड को आमे तीन भाग कले समान तीन भाग कले ताको आमे राउंडर व्यवहार करी 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 परिबा समान तीन भाग बर्तमान तीन भाग कला परे ये प्रथम भाग टी हला 1 बाय 3 द्वितीय भाग टी हला 2 बाय 3 हमको देखेबार अछि 1 बाय 3 तेनु आना हला ए बोली दे परिबा 1 बाय 3 बुझेला ठीक सही परी जो परिमेय संख्या गुड़ी को लब बड़ होइतिबो हर सानो होइतिबो ताको आमे केमती उपस्थापना करिबा तो ए मन कर गोटे उदाहरण नेले 5 बाय 3 ताको आमे संख्या रेखा रे केमती उपस्थापना करिबा एथि पे आमे कोन करिबा को पड़िबो ए संख्या टिकु प्रथमे मिश्र भग्नांश रे परिणत करिबा पड़िबो। तो 5 बाय 3 को आमे जदि हरण करिबा 5 को 3 रे 3 1 3 बोली गला भाग शेष 2 अर्थात 5 बाय 3 टा केते होबो 1 पूर्णांक 2 विभक्तक 3 तो एथुरु आमे जानिबा जे जेतु 1 पूर्णांक अछि एही संख्याटी 1 थारु बड़ 2 थारु सनो अर्थात या 1 रु 2 मध्ये अवस्थान करिवो तणु आमे आकु ठीक से बड़ी संख्या रेखा गुटे नेबा प्रथमे 1 एवं तापरे 2 लेखी ताको समान 3 भाग करिवा जेतु हर 3 अछि तारपरे आमे 2 भाग सेठु नेके देखि परिबा एटा आमे पूर्व श्रेणी रे आलोचना करिछु तेनु आ उपरे मु विशेष आलोचना करू नै। वर्तमान आमे अपरिमेय संख्या रूट 2 रूट 3 इत्यादि संख्या मानकु कि भली संख्या रेखा रे उपस्थापना करिबा सिखिबा देखो पिला माने एटा उपस्थापना करिया पई ए संख्या मानकु आमे प्रथमे समकोणी त्रिभुजर कांसेप्ट उपरि टिके आलोचना करिबा देखो एथि गोटे समकोणी त्रिभुज अछि ए समकोणी त्रिभुज रे भूमिर दैर्घ्य जदि एक एकक नेबा लंबर दैर्घ्य जदि एक एकक नेबा ताहले यार कर्णर दैर्घ्य केते होबो ना यार कर्णर दैर्घ्य होबो रूट 2 एकक जोटा आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करितले। तो ए कांसेप्ट को व्यवहार करी आमे रूट 2 अंकन करिबा बुझियाला। तो रूट 2 रो मान आमे गत क्लास रे आलोचना करथिले जे रूट 2 रो मूल्य होला 1.414 एटा 1 रु 2 मध्य रे अवस्थान करिवो तो कोन करिवा सर्वप्रथमे एटा करिवा पई आमे गुटे संख्या रेखा नेबा संख्या रेखा नि आइछि एथिरे 0 1 2 चिन्हित कर आइछि वर्तमान एई 1 बिंदु उपरे x चिन्हित बिंदु उपरे बाय b बिंदु उपरे आमे गुटे 90 डिग्री कोणटे अंकन करिवा 90 डिग्री कोण अंकन कला परे आमे कोण करिवा एई दैर्घ्यटा जेते थिला एई दैर्घ्यटा जेते थिला आकु आमे मापी नेबा आमर राउंडर साहाज्य रे आकु मापी नेबा एई दैर्घ्यटी जेते थिला एई दैर्घ्यटी जेते एठी मध्य सेतिके नेबा आमे एटे छेद करिवा छेद कला परे ए बिंदु देबा वर्तमान ए रु सी को जोग कर देबा स्केल साहाज्य रे एबे वर्तमान देखो पिला माने एटा गोटे समकोणी त्रिभुज होई जाई छी एटा एक एकक एटा मने करो एक एकक ताले एटा केते हि जीवो ए कर्णटा हि जीवो रूट 2 एकक अर्थात आमे जदी राउंडर रे आकु मापीबा ताले एटा केते होबो एटा होबो रूट 2 एकक ए दैर्घ्यटा ले रूट 2 एकक आकु कोन करिबा ए सी बिंदु रे राउंडर रो मुन रखी आकु गोटे चाप करि केमती बुले दबा देखो पिला माने ए परिमित चापटी जेउ बिंदु रे छेद कला सरल रेखा को सी होउची रूट 2 ता होउची रूट 2 रो स्थानांक। तो एभली भाबरे आमे रूट 2 संख्या रेखा स्थापना करि परिबा। अच्छा रूट 3 के परि स्थापना करिबा संख्या रेखा रूट 3 के परि स्थापना करिबा देखो ए रूट 2 बिंदु रे पुनी आमे 90 डिग्री अंकन करिबा मन कर रूट 2 बिंदु डी बिंदु एथिरे आमे 90 डिग्री टे अंकन कले 90 डिग्री अंकन होला
बर्तमान देख य तल भागटा सी बिंदु रु डी बिंदु दूरता है रुट टू एकक बुझेगा बर्तमान एटा एक एकक नहीं जहाँ से एक एकक तल भागटा रुट टू एकक सी डी एटा एक एकक ने डी बर्तमान आम जब सीई को जोग करदे ए सीई रैर्घ्य हो रुट टू एकक रुट थ्री एकक सी रैर्घ्य के रुट थ्री एकक ना सी रैर्घ्य रुट थ्री एकक केमती है ये आम आलोचना करवा मन कर गोटे समकोणी त्रिभुज ए तलटा रुट टू हो भूमि दैर्घ्य लंबर दैर्घ्य एक एकक होगा कर्णर दैर्घ्य केते हम आम निर्णय करवा ये पिथागोरास उपपाद्य पकईक बाहर कर तो कर्णर दैर्घ्य केते हम रुट टूर स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर रो वर्गमूल तो रुट टूर स्क्वेयर केते टू वन स्क्वेयर केते वन टू प्लस वन आम थ्री होगा कर्णर दैर्घ्य केगला रुट थ्री एकक कर्णर दैर्घ्य रुट थ्री एकक देख पे ये चित्रटा सी ई डी समकोणी त्रिभुज एटा रुट टू एकक एटा एक एकक तेणु ये कर्ण सीई अच्छी यार दैर्घ्य हो रुट थ्री एकक बर्तमान आपको आम राउंडर में मापिदे सी बिंदु राउंडर मुन रखी आम गोटे चापटे अंकन करवा आम गोटे चापटे अंकन करवा देख पे चापटी अंकन है ये जो बिंदु सरल रेखा को छेद कला से ही बिंदुटी हूँ रुट थ्री रानाकूम एफ बोली नामकरण कले तो यह प्रकार आम आहरी विभिन्न अपरिमेय संख्या मान अच्छी रुट फाइव रुट सिक्स एम को संख्यारेखार उपस्थापना कर बहुत गुड़े आहरी संख्या अच्छी उपस्थापना कर संख्या अच्छी अपरिमेय संख्या जहाँ को संख्यारेखार उपस्थापना करवा बहुत कष्टसाध्य बेपार अटे जहाँ भी हूँ आम बर्तमान संख्यारेखार दुई बिंदु मध्य दूरता जाना मनकर संख्यारेखार दुईट बिंदु अच्छी गोटे बिंदु अच्छी पी बिंदु आ गोटे की बिंदु गोटे सरल रेखा गोटे बिंदु अच्छी पी आ गोटे बिंदु अच्छी क्यू बुझेगा तो पी रख्यिक मान मनकर ए पी सहित संपृक्त सांख्यिक मान मनकर ए अर्थात पी रानाक जदि ए पी सहित संपृक्त सांख्यिक मान जदि बी है पी और क्यू बंधु मध्य दूरता को आम पी क्यू बोली लिखु के माइनस बी मॉडुलस आम बी माइनस ए मॉडुलस लिखिपर अर्थात जो दुईटा बिंदु दे थी दुईट बिंदुर स्थानाक को वियोग करदे आर परम मान बाहर करदे बुझेगा तो ये गोटे क्वेश्चन अच्छी देखा उदाहरण एक एक संख्यारेखार पी ओ क्यू दुईट बिंदु अच्छा स्थानाक दे पी बिंदुर स्थानाक थ्री क्यू बिंदुर स्थानाक माइनस सेवेन हेल्ले पी ओ क्यू बिंदु मध्य दूरता निर्णय कर ताले किपर दूरता निर्णय करवा तुमको बतेली पी ओ क्यू बिंदु मध्य दूरता कौन हम पी क्यू सामान के प्रथम संख्या दुटा को लिखिदे पी रानाक क्यू रानाक माइनस सात तापर से मध्य वियोग चिन्हटे देवा जेहेतु दुईट चिन्ह पखापाखी अच्छी ब्रैकेट दे परम मान चिन्ह मॉडुलस चिन्ह देदे बर्तमान आपको समाधान करदे समाधान कले के हम थ्री माइनस माइनस प्लस हो जीवो थ्री प्लस सेवेन टेन हो गला टेन मॉडुलस टेन दस परम मान दस हुए है तो बिंदु मध्य दूरता के बाहर केते बाहर दस एकक बुझेगा यह भाव आम दुईट बिंदु मध्य दूरता बाहर कर पाने देख गोटे संज्ञा अच्छी जदि मोड एक्स मूल्य ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हुए अर्थात धनात्मक हुए ताले मोड एक्स मूल्य एक्स हम जदि
एक्स मूल्य लेस देन जीरो हुए ताले मॉडुलस ऑफ एक्स रो मूल्य माइनस एक्स हबो एटा होची गोटे संज्ञा एही संज्ञा को व्यवहार करी आमे किछि समीकरण एवं असमीकरण को समाधान करबा देखो एटा गोटे क्वेश्चन अछि उदाहरण दुई एक्स रो मान निरूपण कर जदि एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवेन हेला एक्स माइनस थ्री रो मॉडुलस इज इक्वल टू जदि सेवेन हेला ताहले एक्स रो मान निर्णय कर तो प्रथम आम कौन करवा प्रथम संज्ञा अनुसार कौन लिखिपर आम लिखिपर जे एक्स माइनस थ्री रो मॉडुलसटा धनात्मक हम मान जहा अच्छी से जेतेबेले एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होले एक्स माइनस थ्री टा एक्स माइनस थ्री मान धनात्मक हम ताल आम एक्स माइनस थ्री मॉडुलस जगह जदि एटा पुट कर दबा ताले केते हबो आमे आ जगह जदि एटा पुट कर दबा केते हबो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवेन दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू सेवेन प्लस ए माइनस थ्री सियाड़े गले प्लस थ्री हो आम पाइले एक्स रूल्य पाइले टेन एक्स रूल्य के पाइले टेन ठीक से आमर ए द्वितीय संज्ञा अनुसार एक्स माइनस थ्री मॉडुलस इज इक्वल टू के हम ना ऋणात्मक हो माइनस एक्स माइनस थ्री हम एटा केते बेले हबो ना जेते बेले एक्स लेस देन जीरो हबो तो एक्स माइनस थ्री रो मॉडुलस जगारी ए मूल्यटा आमे जदि पुट करिबा ताले केते हबो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवेन दैट इम्प्लाइज एटा जदि आमे बंधनी को अपसारण करिबा ताले एटा हिजबो माइनस एक्स थ्री मूल्य माइनस थ्री अच्छी प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवेन ताहले माइनस एक्स इज इक्वल टू सेवेन ए तीन टा सियाड़े प्लस अच्छी पार्श्व परिवर्तन हेल्ले माइनस हो मैंने माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर ताहले एक्स इज इक्वल टू केते हबो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर हो ताहले आमे एक्स रो मूल्य पाइले केते ना गोटे एक्स रो मूल्य पाइले टेन आ गोटे एक्स रो मूल्य केते पाइले माइनस फोर एभली भाव आमे समाधान करि परिबा तापर आमर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आ गोटे उदाहरण अछि निम्न लिखित असमीकरण को समाधान कर तो एठारे आमे किपरि समाधान करिबा सेई नियम को आमे एठारे पुट करिबा कोन लिखिबा सेई संज्ञा अनुसार मोड ऑफ एक्स बा मॉडुल ऑफ एक्स इज इक्वल टू केते हबो प्लस एक्स हबो जेते बेले जेते बेले एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हुए तो ताहले आमे जदि एक्स रो मॉडुल ऑफ एक्स रो मूल्य जदि एक्स पुट करिबा ए जगह रे ताहले कोन हबो एक्स लेस देन 1 बाय 2 एटा गोटे समीकरण हला ठीक से परी आमर द्वितीय संज्ञा थिला मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स केते बेले ना जेते बेले एक्स लेस देन जीरो हुए एक्स लेस देन जीरो हुए ताहले आमे मॉडुलस ऑफ एक्स जगह रे आमे माइनस एक्स जेते बेले इठो पुट करिबा कोन हबो ना माइनस एक्स लेस देन 1 by 2 minus x less than 1 by 2 that implies minus x jodi 1 by 2 choto hela tale x is equal to x e chino ta emti hejibo greater than minus 1 by 2 hejibo eta 2 number samikaran nele to ethare samikaran 1 aur samikaran 2 ru ame kon paiba 1 o 2 ru kon paile na x ro mulya गोटे पाइले 1 बाय 2 रु लेस देन हबो बा छोटो हबो आ गोटे एक्स रो मूल्य पाइले
माइनस वन बाय टू रु बड़ हम तो यह एक्स मूल्य आम ए बाहर कर बुझेगा। बर्तमान आम घाता राशि आलोचना करवा तो घाता राशि कौन ए टू दि पावर एन ए टू दि पावर एन को आम गोटे घात राशि बोली कहू जो ए को आधार कह जाए एन को घाता कह जाए आउ बी प्रत्येक वास्तव संख्या ए जीरो हेनी कि बी भी जीरो हेनी एम आउ एन जो घाता अच्छी प्रत्येक हूँ पूर्ण संख्या तो ये सब नियम गुड़ाक जो घात अच्छे आम पूर्व श्रेणी मानक पढ़ीचु तो पुणी थे आलोचना करदे। प्रथम नियमटी कौन ए टू दि पावर एम इंटु ए टू दि पावर एन इज इक्वल टू ए टू दि पावर एम प्लस एन हुए अर्थात जदि दुईट घात राशि एटा गोटे घात राशि एटा गोटे घात राशि आधार सामान हो जाए मझे गुणन चिन्ह थाएं कौन हुए आम ताको आधार को गोटे थर लिखा आउ घात दुईटा को प्लस करदे बुझेगा। गोटे उदाहरण नौ मन कर टू टू दि पावर फाइव इंटु टू टू दि पावर थ्री अच्छी ताहले आपको सरल कले के हम ना ये आम देखुवा आधार दुई गुणन चिन्ह अच्छी से मझे तेणु आपको आम सरल कले कौन हम ना घात दुईटा मिसीज फाइव प्लस थ्री ताल यहाँ हो टू टू दि पावर एट बुझेगा। ठीक से परी दुई नंबर नियमटी कौन ए टू दि पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दि पावर एन इज इक्वल टू ए टू दि पावर एम माइनस एन अर्थात दुईट घात राशि जदि आधार सामान है मझे जदि हरण चिन्ह अच्छी ताको सरल कले आम कौन हो जाए आधार को थे लिखा आउ घात दुईट वियोग हो जाए तार गोटे उदाहरण दे दूँ मन कर ये उदाहरण टी नु टू टू दि पावर फाइव डिवाइडेड बाय टू टू दि पावर थ्री था सरल कले के था जेहेतु आधार सामान अच्छी टू लिखिले हरण चिन्ह अच्छी तेणु घात गुड़िक वियोग हो जाए ताल के हम यहाँ टू टू दि पावर फाइव माइनस थ्री के स्क्वेयर चार हम जहाँ भी हम बुझेगा। तृतीय नियम टी कौन दुईट घात राशि आधार अलग अलग अच्छी किंतु घात समान अच्छे तो से क्षेत्र में कौन हुए जदि गुणन चिन्ह थी से भितर ताल कौन कर घात को कमन नहीं कि बाहर लिखिपर ए बी टू दि पावर होल टू दि पावर एम बोली लिखिपर बुझेगा। चतुर्थ नियम बहुत प्रयोग हुए आम गणित गुड़ाक समाधान करवा देखा गोटे घात राशि उपरे आउ गोटे घात थी ताल कौन हो जाए ये दुईट जाक घात गुणन हो जाए गोटे एग्जांपल नौ मन कर टू टू दि पावर थ्री तार उपरे आउ गोटे घात दुई अच्छे ताल आपको समाधान कले के हम ना ये घात दुईटा गुणन हो टू टू दि पावर तीन गुणन दुई होन गुणन दुई हो तो टू टू दि पावर तीन दुगुण के बुझेगा। बर्तमान आउ गोटे नियमटे देखा ए टू दि पावर जीरो इज इक्वल टू वन कौन सी भी घात राशि आधार जहाँ भी होना कहीं तार घात जदि जीरो हो गला ताले तार मूल्यटा एक हो जाए गोटे एग्जांपल नौ मन कर फाइव टू दि पावर जीरो लेखाला ताले यार मूल्य के हम एक हम सिक्स टू दि पावर जीरो तार मूल्य के हम एक हम ए टू दि पावर जीरो एवं तो आलोचना कले आर मूल्य एक हम एक्स टू दि पावर जीरो आर मूल्य भी एक हम बुझेगा। लास्ट ए टू दि पावर माइनस एम एट गोटे घात राशि देख घात ऋणात्मक अच्छे तो आपको आम कौन करवा जदि वन बाय करदे धनात्मक हो गोटे एग्जांपल मन कर टू टू दि पावर माइनस फाइव अच्छे मुझे वन बाय करदेवी ताल टू टू दि पावर फाइव बोली लिखा ऋणात्मक घातटा धनात्मक हो। अच्छा सेमती आम जब कौन धनात्मक घात अच्छी मन कर टू टू दि पावर थ्री अच्छी आपको ऋणात्मक करने कौन कर वन बाय टू टू दि पावर माइनस थ्री बोली लिखिपर तो ये थिला घाता राशि संबंध में किसी नियम जो पूर्व श्रेणी में भी आलोचना करें सम्यक धारणा पाइले वर्तमान ये नियम को जानले प्रयोग करवा देख पाने गोटे जिनस जाना मुख्य जिनस गोटे करणी चिन्ह बा इंग्राजी में राडिकाल चिन्ह बोली कहुए कौटा ये चिन्हटा को राडिकाल चिन्ह बोली कहुए जो लिखुचुना दुई उपरे
ए चिन्हटा दौ रूट टू बोली कह चिन्ह को कह जाए करणी चिन्ह ओडिया इंग्राजी राडिकल चिन्ह बोली कह जाए टी आलोचना करवा कौन ना एक्स टू दि पावर एन इज इक्वल टू जदि ए है मन कर एक्स टू दि पावर एन एक घात राशि तार मूल्य जदि ए है ताहले आमे एक्स केते लिखि परिबा ना एटा को जदि पार्श्व परिवर्तन करथिबा ए र एटा हे जिवो एन तम मूल एटे करणी चिन्ह व्यवहार करि परिबा आकु पढा जाय ओडिया रे ए र एन तम मूल इंग्राजी रे पढा जाय एन्थ रूट ऑफ ए बुझिला आकु ओडिया रे कोन पढा जाय ए र एन तम मूल इंग्राजी रे पढा जाय एन्थ रूट ऑफ ए ताहले आमे ए र एन तम मूल को किपरि लिखि परिबा एमती लिखि परिबा ए र एन तम मूल माने ए उपरे करणी चिन्ह देकर एन लिखा यार अर्थ कौन ना ए टू दि पावर वन बाय एन ए र एन तम मूल तार अर्थ है ए टू दि पावर वन बाय एन आ गोटे उदाहरण ने मन कर गोटे संख्या है ए ए र पी तम मूल ए तम पी र पी तम मूल को आम किपर डिनोट करवा ना एमती लिखिपर ए र पी तम मूल यार अर्थ कौन ए टू दि पावर वन बाय पी लिखाई पी हे बुझेगा गणित यार प्रयोग आम करवा आ गोटे जिनस अच्छी रुट एन इंटु रुट एन रुट ओवर अफ एन इंटु रुट ओवर अफ एन के जाए एन मान कौन भी दुईट संख्या सामान रुट संख्या गुण निन्हटा हटि जाए मैं रुट टू गुणन रुट टू एटा के टू रुट थ्री गुणन रुट थ्री केते ही जीवो एटा थ्री रुट फाइव गुणन रुट फाइव केते ही जीवो एटा फाइव ही जीवो बुझेला तो आम घात राशि संपर्क जो नियम गुड़ाक पढ़िले आम वर्तमान प्रयोग करवा गोटे उदाहरण अच्छी सरल कर उदाहरण चार देजी एन रूट ऑफ ए टू दि पावर एन होल टू दि पावर एन आकु सरल कर एटा आमको प्रश्नटा बहुत कड़ा लगुच किंतु सहजरे एटा समाधान हो पार यह साहय बुझेगा तो पिलामने देखो एटा आकु सरल केमती करिबा छोटो केमती करिबा सरल कर माने छोटो कर प्रथमे एठी को जीवा मुझे बतेथिली तो गोटे नियम बतेथिली तुमको मन थिबो कौन बतेथिली जे ए टू दि पावर एम गोटे घात राशि ता उपरे जदि आउ गोटे घात थिबो ताले घात दुटा गुणन हो जाए एटा गोटे घात राशि एटा गोटे घात राशि ता उपरे आउ गोटे घात अछि ताले घात दुटा कोन हो जिवे गुणन हो जिवे ताले एटा हम कोन लिखि परबा एन रूट ऑफ ए एटा गुणन हो जिवो रूट ओवर ऑफ एन इनटू रूट ओवर ऑफ एन ताले एटा केते होबो टू ए रो एन तम मूल एवं बतेली रूट एन गुणन रूट एन केते हि जाए एन हि जाए ताले एटा गुणन होले एन हि जिवो बुझिहला आउ टिके सरल कले केते होबो ए रो एन तम मूल को आमे 1 बाय एन लेखि परिबा ए रो एन तम मूल माने कोन ए पढिले पर 1 बाय ए टू दि पावर 1 बाय एन ता उपरे एन एटे पुणी कौन है घात राशि आउ गोटे घात आसला तो कौन होठे वन बाय एन गुणन एन हो बर्तमान देख ए एन एन कटिगला के गला ए टू दि पावर वन मैंने ए आ गोटे उदाहरण अच्छे पे देख रुट टू टू दि पावर टू होल टू दि पावर टू ए क्षेत्र में कौन हम से एक नियम पड़ो ए दुटा गुणन हो जाए रुट टू ए दुटा गुणन हो गले केते हिजबो रूट टू गुणन रूट टू आम गुणन करवा ना तो केते हिजबो रूट टू गुणन रूट टू टू हो गला हला बर्तमान देख रूट टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर माने रूट टू गुणन रूट टू हिजबो तो केते हो गला टू एटे जमी बतई थी रूट एन गुणन रूट एन एन हुए तो रूट टू गुणन रूट टू के टू हो बुझेगा देख पे ये आउ किसी घातांक समीकरण अच्छी से घातांक समीकरण को आम समाधान करवा घातांक समीकरण कह जाए
ଗୋଟେ ଘାତଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଧାରକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଆଧାର ତିନ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆଧାର ଆମେ ତିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ, ଏଟା ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଆକୁ ଆମେ ନଅଟାକୁ କେତେ କରିପାରିବା, ତିନିର ସ୍କୋୟାର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଉଭୟ ପଟେ ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା, ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାର ଘାତାଙ୍କଟା ସମାନ ଲେଖିପାରିବା। ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, ଟୁ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ, ଟୁ, ଏକଟା ଇଆଡ଼େ ଯୋଗ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା, ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ନମ୍ବରଟା ବି ସେଭଳି ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆଧାର ଦୁଇ ଅଛି, ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ସେପଟେ ବି ଆଧାର ଦୁଇ ବନେଇବା। ତ ଦୁଇ ବନେଇଲେ କଣ ହବ, ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଆଠଟା ଦୁଇର ତିନି ଘାତ, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ କଲେ ଆଠ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଘାତାଙ୍କକୁ ସମାନ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ, ଥ୍ରୀ, ଏ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟା ସେଡ଼େ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟା ସେଡ଼େ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, ଟୁ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଠି ଆଧାର ରୁଟ୍ ଟୁ ଅଛି, ଆଧାର ରୁଟ୍ ଟୁ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଆଧାର ବନେଇବା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ରୁଟ୍ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଜିରୋ ଲେଖିପାରିବା ନା। ମୁଁ ବତେଇଥିଲି କୌଣସି ବି ଘାତ ରାଶିର ଆଧାର ଯାହା ବି ହଉ, ଘାତାଙ୍କ ଯଦି ଶୂନ ହେଇଗଲା ସେଟା ଏକ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ଉଭୟ ପଟେ ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଏଠି ଘାତାଙ୍କକୁ ସମାନ ଲେଖିପାରିବା, ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ସେପଟେ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହବ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ ହେଇକି ଥିଲା ଏଡ଼େ ଗଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଘାତାଙ୍କୀୟ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଛି, ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଆମେ ତ ଗୁଣନ କରିକିରି ଆର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ଏଇ ଘାତାଙ୍କୀୟ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ସହଜରେ କେମିତି ଗୁଣନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭେଦ ପକେଇବା। ଅଭେଦ କ'ଣ ନା, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା କାହିଁକି ପକେଇବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖୁଛ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇ ଅଭେଦର ଫର୍ମେଟ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଏଟାକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଥରେ ଯୋଗ ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବିୟୋଗ ହେଇକିରି ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠେ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଏଟାକୁ ଏ ଧରିଲା, ଏଟାକୁ ଏ ଧରିଲା, ଏଟାକୁ ବି ବୋଲି ଧରିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ବି ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ କ'ଣ ହବ, ଏଟା ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାତ ଥିଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯାଏ, ତ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ଏଠି ବି ବି ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ଦୁଇ, ଏ ଦୁଇ କଟିଗଲା, ତ ଏଠି ରହିଗଲା ଏ, ବି କଟିଲା, ଏଠି ରହିଲା ବି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମ ବହିର, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଏଥିରେ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସେଟା ସରଳ ହେଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଏଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ବହିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବହିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ବି ହୋଲ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ବି, ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି, କହିଛି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ୍। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି, ଏଟା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍, ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ ହବ, ଦେଖ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ବି, ଉଭୟର ଘାତ ରାଶିର ଆଧାର ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଘାତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏ ମାଇନସ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ବି ମାଇନସ୍ ସି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ବି ମାଇନସ୍ ସି, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସି ମାଇନସ୍ ଏ, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଥିଲା ଘାତ ସେଟା ରହିଲା।
ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶି ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଗୁଣନ ହେଇଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଗୁଣନ ହେଇଗଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ ହେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାଏ ଏ ବି ହେଇଯିବ ବି ମାଇନସ୍ ସି ବାଏ ବି ସି ସି ମାଇନସ୍ ସି ବାଏ ସି ହବ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠେ ଏଟା ଥରେ ଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ହରଣ ହବ ବିଟା ଥରେ ଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ହରଣ ହବ ଏଟା ଥରେ ଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ହରଣ ହବ ବିଟା ଥରେ ଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ହରଣ ହବ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାଏ ଏ ବି ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଥରେ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବି ହରଣ ହବ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବି ହରଣ ହବ ତ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବି ହରଣ କଲେ ମାଇନସ୍ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଏ ବି ହରଣ କଲେ ତ ଏ ଏ କଟିଗଲା ତାହେଲେ ରହିଲା ଏଟା ୱାନ୍ ବାଏ ବି ତ ବି ବି କଟିଲା ୱାନ୍ ବାଏ ଏ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ଦୁଇଟି ଉକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ତ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ହୋଇଯିବ କାହିଁକି ନା ମାନେ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ବି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ବି କଟିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ସି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ସି ସବୁ ଏମାନେ କଟିଯିବେ କଟିଗଲେ କେତେ ରହିବ ନା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ତ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଜିରୋର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ୱାନ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ହୁଏ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଜିରୋ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ଏକ୍ସ ଏଟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲେଖିଦେଲି ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କଲି ଏ ର କ୍ୟୁ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ପକେଇଲି ଏଟା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ସୂତ୍ରରେ ଆସିବ ତ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଏ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ବି କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବି ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ତ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଏଥିରେ ପକାଗଲା ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଏଥିରେ ପକାଗଲା ଏ କ୍ୟୁ ବି କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବି ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଏ ଥ୍ରୀ ଏ ଜାଗାରେ ଥ୍ରୀ ଏ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାତ ରାଶି ଅଛି ତ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଏଠେ ଘାତ ରାଶିର ଆଧାର ସମାନ ତେଣୁ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତିନି ତିନି କଟିଗଲା ଏକ୍ସ ରହିଲା ଏଠି ତିନି ତିନି କଟିଗଲା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ଥ୍ରୀ କଟିଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରହିବ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର କଟିଗଲେ ଏଇଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆର ମୂଲ୍ୟ ତ ଏକ୍ସ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଏ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ଏ ଏଠି ଲେଖିଲା ଥ୍ରୀ ଏ ଲେଖିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସ ଲେଖିଲା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆମେ ତାକୁ ୱାନ୍ ବାଏ ଏକ୍ସ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଜିରୋ ତାର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ୍ ତିନି ଏକ ତିନି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଥ୍ରୀ ଏ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲେ କିଏ ରହିଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଏ ଏକ୍ସ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଟା ଆର୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିହେଲା ଏ ଥିଲା ଆମର କିଛି ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ତୁମର ବହିର ଆକୁ ନିଜେ କରିବ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଦେଖ ଏ ଓ ବି ଯଦି ଦୁଇଟି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେଉଁ ନିୟମ କୁହାଯାଏ କେଉଁ ନିୟମ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିମୁଖୀ ନିୟମ ବୋଲି କହୁ କ'ଣ କହୁ ତ୍ରିମୁଖୀ ନିୟମ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଖିବା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା ଫାଇଭ ବି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା ଏଇଟ ତେବେ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହବ କେମିତି ହେଲା ତିନି ଏକକ
8 माइनस 5 को ले 3 हो छे हां हमें कोन करिबा 8 माइनस 5 करिकरी तारो मॉडुलस बाहर करि परिबा नहले 5 माइनस 8 करिकरी तारो मॉडुलस बाहर करि परिबा तो 8 माइनस 5 केते हला 8 रु 5 गले 3 3 रो मॉडुलस हला 3 बुझेला यदि x लेस देन 0 हुए तबे मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू डैश केते होबो माइनस x माइनस x माइनस x वेरी गुड वेरी गुड यदि x रो मूल्य लेस देन 0 हला ऋणात्मक हला तले मॉडुलस ऑफ x केते हि जइबो माइनस x हि जइबो केते हि जइबो माइनस x ऑप्शन ए आईवी नंबर a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n केते होबो a टू द पावर n इनटू ऑप्शन डी ऑप्शन डी एडे आधार समान अछि दुटी घात राशि रो ताले घात गुडी को कोन हि जइबो जोग हि जइबो काहेकि ना गुणन चिन्ह अछि ठीक अछि उत्तर बहुत बढ़िया बी नंबर x टू द पावर 0 रो मान केते अन्य स्कूल भी कहो x टू द पावर 0 रो मान केते 1 x टू द पावर 0 रो मान केते 1 केते 1 ऑप्शन बी ऑप्शन बी a टू द पावर 0 रो मूल्य 1 हैला प्रथम देखो 6 नंबर रेडिकल चिन्ह यदि व्यवहार करबा 2 टू द पावर 1/2 रो मूल्य केते होबो रेडिकल बा करणी चिन्ह व्यवहार कर 2 टू द पावर 1/2 रो मूल्य केते होबो √2 केते होबो √2 ऑप्शन ए √2 ए 7 नंबर वी आई आई रेडिकल चिन्ह एठी जदी हमें अपसारण कर देबा बाहर कर देबा ताले क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 राशि रो सरलीकृत मान केते होबो के कहिबो ऑप्शन बी क्यूब रूट ऑफ केते ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी 2 टू द पावर 1/3 2 रो घनमूल हम केते लिखि परबा 2 टू द पावर 1/3 हम बतई थली जत्ते तम मूल होइथिबो 1 सेति लिखि देबा ना ठीक अछि ऑप्शन बी प्रथम देखो 8 नंबर 9 टू द पावर 1/2 राशि टी कहां सहित समान 9 टू द पावर 1/2 राशि केते 3 उत्तर केते हो 3 ऑप्शन सी सी देखिबा को 9 टू द पावर 1/2 नाउन 9 टू द पावर 1/2 9 टू द पावर 1/2 माने केते 9 रो वर्गमूल हेटा तो 9 रो वर्गमूल केते 3 ताले उत्तर केते हि जइबो ऑप्शन सी 3 ठीक अछि वेरी गुड तापरे हमरो 9 नंबर केते होबो √3 टू द पावर √3 होल टू द पावर √3 रो मूल्य का सहित समान √3 ऑप्शन सी √3 सी देखो एटे देखिबा √3 एठे √3 उडन √3 3 होई जइबो √3 रो मूल्य केते 3 टू द पावर 1/2 तारो 3 घात तो एटा 3 टू द पावर एटा गुणन होई गेले 3/2 होई जइबो बुझेला तो केते होई जइबो सी ऑप्शन सी बुझेला वर्तमान ए नंबर ता तुमे निजे करिवो तमरो गणित शिक्षक को देखैबो आ तुम पई होमवर्क रहला अनुश्रेणी 2 बी रो नंबर 20 रु 30 पर्यंत ताको करिवो आ तुमरो गणित शिक्षक को देखैबो।